नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। ऊना के लाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र, शहीद बृजेश कुमार की पत्नी श्वेता को राष्ट्रपति ने सौंपा सम्मान। उपमंडल बंगाना के धतोल पंचायत के गांव ननौबी के शहीद बृजेश कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद बृजेश कुमार की पत्नी श्वेता कुमारी को दिल्ली राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र प्रदान किया है। बताते चलें कि अमर शहीद बृजेश कुमार उपमंडल बंगाना के ननौवी गांव से संबंध रखते थे। 26 अक्टूबर 2018 में भारत पाक सीमा पर जम्मू के पुंछ सेक्टर में जब सेना की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई तो घायल अवस्था में भी अमर शहीद बृजेश कुमार ने दो आतंकवादियों को मार गिराया था और खुद भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण देश के लिए कुर्बान कर दिए थे। शहीद बृजेश कुमार की दो बेटियां हैं और छोटी बेटी का जन्म अमर शहीद बृजेश कुमार की शहादत के बाद हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा शहीद बृजेश कुमार के राजकीय सम्मान के समय ननौवी में शहीद बृजेश के नाम पर मुख्य द्वार, शहीद बृजेश कुमार की पत्नी को सरकारी नौकरी और शहीद बृजेश कुमार के परिवार को सरकार की तरफ से 20 लाख की धनराशि का अनुदान, ये सभी घोषणाएं पूर्ण करवाई जा चुकी है। शहीद बृजेश कुमार की पत्नी सरकारी स्कूल टाहलीबाल में बतौर टीजीटी आर्ट्स की प्रवक्ता नियुक्त हो चुकी है। हर कोई भाजपा छोड़ने को तैयार, महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में पालमपुर में उग्र प्रदर्शन किया। रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पालमपुर में नगर निगम के चुनावों में स्थानीय विधायक आशीष बुटेल ने जीत का परचम लहराया था, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छी शुरुआत थी। इसके बाद उपचुनावों में कांग्रेस द्वारा क्लीन स्वीप करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब एक डूबता जहाज है, इस जहाज से अब हर कोई छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सन 2022 में एक दूसरा इंजेक्शन लगाकर सत्ता से बाहर का रुख दिखा देगी। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डिज बिहारी लाल बुटेल, पूर्व विधायक अजय महाजन, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, पूर्व मंत्री चौधरी चंद कुमार, पूर्व विधायक एवं सीपीएस विधायक जगजीवन पाल मौजूद रहे। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।